हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोल्स 2024। दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग पंजाब एज जर्नलिस्ट सी इट। सो जॉइनिंग अस टुडे आर टू सीनियर जर्नलिस्ट बेस्ड एंड हु ट्रैवल्ड अ लॉट इन पंजाब, दिस राजीव खन्ना एंड शिवेंद्र सिंह। सो वेलकम बोथ ऑफ हाय, यू। बोथ ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू विद अस। थैंक यू सीमा. थैंक्स। So let's start with Shiv. We'll use all the languages. I don't even mind Punjabi because I'm quite conversant with Punjabi, having spent a lot of time there. So we can speak in any language, and people in India have to learn now the languages of India. So, okay. So how do you see Punjab? Now, I just want to say that Punjab has 13 Lok Sabha seats. In the last 2019 parliamentary elections, the Congress party got 8, the Akali Dal got 2, the BJP got 2, and AAP just got 1. But in the assembly elections, AAP won, formed the government, and there is a chief minister and a government of AAP. This time, the alliances and there seems to have been a better alliance amongst the opposition parties. The BJP stands where it is, but the Akali Dal is now no longer with the NDA. Am I right in saying that? And is not really contesting the elections in any kind of collaboration with the Bharatiya Janata Party. So it is the ruling clique of the centre really, which is broken in Punjab, and the opposition, which is of course forms the government also in Punjab, which has come together. So how do you see this shift? जी देखिए सीमा, बिल्कुल आपने सही फरमाया. मैं हिंदी जुबान में बढ़िया बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं हिंदी जी में बात कर बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल तो आप हिंदी में भी अच्छी पूछ सकते हो मुझसे. बात यह है कि जो पंजाब का सीन है, जो मैंने और राजीव ने दोनों ने कवर किया, देखो मोटा मोटी जो देखा जाए, यहाँ मेन मुकाबला जो है वो आप और कांग्रेस में हो रहा है, दो तीन सीटों को छोड़कर. तो लेकिन एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसको हम आमतौर पे देश में नॉर्मल लिया जाता है कि यार इसमें तो यही होगा, या फिर इसमें बीजेपी नहीं है इसलिए ये इंटरेस्टिंग नहीं है. बल्कि ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. हर हर तरह की एजेंसीज, हर तरह के विचार यहाँ आपको मिल जाते हैं. इसी तरह पंजाब में अब भी हम देख रहे हैं कि कई तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. मोटा मोटी हमने माझा, मालवा और दुआबा तीनों को ही घूमा है. आपने राजीव की स्टोरीज पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि मेन मुकाबला तो आप और कांग्रेस में है. कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा मुझे, कुछ सीटों पे वो टक्कर अच्छी दे रहे हैं, कुछ पे वो दे रहे हैं. एक दो सीटें जैसे तरन तारण सीट है, अमृतपाल सिंह जो कि अभी 2 साल पहले ही दुबई से आया था, फिर एकदम जेल में चला गया, कोई जानता नहीं था. वो जरूर हम देख रहे हैं कि उसके उसका थोड़ा सा चल रहा है, वो टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो जीत भी जाएगा, पर अब जीतना ये तो 4 के बाद पता लगेगा. एक एक इसी तरह फरीदकोट, जब हम दोनों फरीदकोट में थे उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फरीदकोट में एक आजाद उम्मीदवार है सरबजीत सिंह खालसा, जो कि बेअंत सिंह का बेटा है. ये वो बेअंत सिंह है जिसने इंदिरा गांधी का मर्डर किया था. तो उसपे भी एक सैंपथी की जो वेव थोड़ी सी हमें 2 दिन के बाद दिखने लगी है. जब हम थे तब तो नहीं थी ऐसी बात, बाद हमने अपने संपर्क किया तो वो टक्कर दे रहा है. मतलब ये सीट एक बठिंडा सीट है, बठिंडा सीट में हरसिमरत कौर बादल आपके उम्मीदवार को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है. एक्चुअली मुझे ये लगता है कि पंजाब में ना थोड़ी सूरत हाल है को समझने के लिए, पंजाब में लोग चेंज चाहते हैं हर बार. कई बार होता क्या है कि जैसे उन्होंने तो अकाली और कांग्रेस वो उनको फिट नहीं थी तो उन्होंने आपको ले आए, अब आप भी उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे. जब और पंजाब में किसान आंदोलन भी चला जिसने उसको काफी इंटेलेक्चुअली रिच किया लोगों को. अब जब लोग अपना सफर तय करते हैं, उनको लगता है कि अब किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्शन में तो भाग नहीं लेती, इलेक्शन के समय तो वो कह देती है कि आपकी भाई मर्जी है, आपने जहां जाना जाओ. इस हालत में होता क्या है, जब पोलिटिकल वैक्यूम होता है तो उस वैक्यूम में जा तो आप बहुत आगे का रास्ता देखते हो, आप आगे को शिफ्ट करते हो, नहीं फिर राइट विंग फोर्सेस जो होती है वो अपना जमीन को तैयार कर रहती है. सो पंजाब कुछ ऐसी हालत में है, पर लेकिन अभी जो मुकाबला वो आप और कांग्रेस में हमने देखा है जमीन पे. जी अभी हम लोग ये सुन रहे हैं शिव जी के ये
कांग्रेस का पल्ला जरा भारी हो रहा है पंजाब में फिर से, और आपको जरा मुश्किल हो रही है। ये सही है कि ये ऐसे ही अफवाह है? अखबार नहीं है, पांच छह ऐसे लगे, जैसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ। हम हाँ गए, हम पटियाला गए, पटियाला में डॉक्टर धर्मवीर गांधी है, उनका अपना भी प्रभाव है, वो काफी हमें मजबूत लगे। फिर हम संगरूर गए, संगरूर के बारे में मुकाबला तो है इसका आप और कांग्रेस का, पर हम एकदम कहना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए कि आप आगे है जहाँ ये आगे है, कांग्रेस आगे है। कि मैं राजीव ने तो बता कह रहा कि फलां आगे है, पर मैं नहीं इस हालत में कि मैं कह सकता हूँ कौन आगे है। अच्छा, फिर हम अमृतसर में गए, अमृतसर में हमें कांग्रेस आगे लगी, फाइट देती हुई नजर आई। इसी तरह खडूर साहब में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अमृतपाल भी फाइट कर में था। फरीदकोट में आप आगे थी, अब की 2 दिन में क्या सूरत हाल बदलेगी वो देखना होगा आगे चलकर। So Rajiv, what do you feel? What is the issue really which is working now in Punjab? Because Punjab has been facing a lot of flak from the ruling party at the center. It has also got connected with all kinds of politics between India and Canada. And now these Lok Sabha elections are coming in the wake of all this. So are these issues that we had been seeing as world headlines, as national media headlines, are all these issues playing out in these elections or they are not? See, the public sentiment, Seema, is definitely not for BJP because of these reasons that is there. See, the Okay. people are unhappy with the kind of language the Prime Minister is using. We talk to your common people in Jalandhar and they say, "Apshabd kyon bol rahe kisi ke liye?" That is the sentiment that is there. And then they feel hurt. And it is that hurt that is playing out. You know, they're one side there is disillusionment with the parties in the state, be it Aam Aadmi Party or Congress or Akalis, anyways, are now sidelined. And that is kind of giving a space to these right-wing elements also. And people are very, they're very clear, they say openly on your face that it is agencies and the center that is game, playing a game over here. They want certain elements to So, defame Punjab outside Punjab. You know, so, that's the thing. Yeah. That is why they want a person like Amritpal or maybe some others and all this to keep continuing so that they can always, and they're very hurt at being branded as Khalistanis and or you know, separatists, given the fact that kind of youth that has gone into the defense forces from here. Nobody can deny that. And the role of Punjab in the freedom struggle, people talk about that also very openly. So is that that one is of the the thing that is there. is that one of the reasons why the in some of the seats that you guys have mentioned, and Shivinder is also mentioned, Rajiv, is that one of the reasons why the hardline elements are doing better than expected? There are other factors also. For example, drugs. Nobody's able to control it. Second thing, very interesting thing is your the sacrilege of holy texts. No justice has been done over the last seven, around 9 years now. That is there. And it's a very interesting thing. People are questioning why June 1 for Punjab as the polling day. It is the day prior to the Operation Blue Star that is there. You know, it all points out to certain things. Then they point out, for example, Faridkot, Shivinder was mentioning, why a hardliner is picking steam over there, gathering steam over there. June 1, you have a day prior to Blue Star. Bhindranwale belong to Faridkot. You know, the guy contesting is from Faridkot. General Barad, even he is said to be belonging to Faridkot, the one who carried out those operation, that operation over there. You see, all this points to a pattern, and people interpret it that way because they've been through so much of hardships over here. You remember the dark times of the 80s, what happened over here. So all these things point to these things. And then you have, you know, this thing, the first incident of sacrilege of holy texts again happened in Faridkot. And people are questioning why Punjab in the last phase, whereas in the previous elections, you always had Punjab in the previous phases. Yeah, they point out, they say that agencies would know this is the time when the hardline sentiment is at its peak. Because we went to Amritsar, we saw posters of Blue Star.
simply saying you cannot forget, you cannot forgive. Right. And it is amid all this, that desolation is being held. And BJP is very clear on one thing, you know. You talk to the BJP people who are working for the BJP, others, they say, we are not bothered about whether we get a seat or not. We have sown a seed for the long-term gain. And all we want is a slight increase in our vote share. Right. So, Shiv, aap agar isko dekhein, to ye jo do not forget and forgive and all that, to ye to ek tarah se forget or forgive ho gaya, kyunki Congress ko zyada seat mil rahi hai Punjab mein, aur jo anger hai wo redirect ho gaya hai BJP ki taraf. तो हम लोग सही है इसको अज्यूम करने के लिए दैट समहाउ द कांग्रेस ठीक हो गया है उनका रिलेशनशिप पंजाब में? देखो, कांग्रेस ये कारण ठीक थोड़ा हुआ है क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी से लोगों की नाराजगी है वो उधर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगी. अब मुकाबले में दोनों ही है, बीजेपी कोई मुकाबले में है नहीं, वो किसी सीट पे है नहीं. और बीजेपी का एजेंडा भी ये है कि इस बार वो सीट नहीं ले जाना चाहती पंजाब में, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी लॉन्ग टाइम के लिए खेल रही है. जो लॉन्ग टाइम के लिए पंजाब में गेम हो रही है वो समझने की बात है. देखो, पंजाब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेरा मानना है 5 या 6 सीट का होगा, 5 कांग्रेस को आ जाएगी या 6 उसको आ जाएगी या 6 उसको आ जाएगी, 5 उसको, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अदर्स को जो सीट है, एक तो अपना अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, और तरन तारण में क्या हो सकता है ये अभी मैं कहने के हालत में नहीं हूँ. तो ये मतलब 13 सीटें का इस तरह ही बनेगा. लेकिन जो बड़ी चीज समझने की बात है सीमा जी, वो ये है कि देखो, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ सिख मेजोरिटी में है, और सिख जो है, जब कश्मीर में 370 खत्म हुई थी, मनसूख की गई थी, तो पंजाब ही एक ऐसा स्टेट था जिसने कश्मीर के पक्ष में खड़ा हुआ था. पूरा देश नहीं खड़ा हुआ, पंजाब ने डिफरेंट डिफरेंट एरियो में 45 रैली बड़ी की, 1 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए कि कश्मीरियों के साथ बुरा हो रहा है. अच्छा, सीए के मामले में यहाँ सिखों हिंदू मुसलमानों की आबादी तो ज्यादा है नहीं पंजाब में, फिर भी सीए के विरोध में पंजाब खड़ा हुआ. अच्छा, किसान आंदोलन किसने खड़ा किया? पंजाब ने खड़ा किया. अब प्रॉब्लम ये थी कि बड़ी केंद्र में काबिज ताकतों को ये बात चुभ रही थी कि पंजाब ही क्यों बात उठाता है. तो पंजाब में कई तरह की गेम खेली, किसान आंदोलन के बाद में दीप सिद्धू आया, दीप सिद्धू के बाद के साथ जो नहिंग ग्रुप थे, बाद में ये अमृतपाल आया जिसका पता भी नहीं कहाँ से आया कैसे आया. तो इन लोगों ने, इनकी जो इनके साथ जुड़े हुए लोग आए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम मुसलमानों के लिए क्यों आवाज बुलंद करें भाई, यहाँ तक कि अमृतसर के पास अमानतपुरा है, वहां मुसलमानों पे भी हमला हुआ. फिर इन्होंने अमृतपाल अक्सरी ये कहता रहा पहले जेल जाने से पहले कि भाई आप हमें खालिस्तान दे दो, हमें हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं. मतलब सिखों के बीच एक ऐसा सेक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसका एक तो अकल के साथ कोई लेना देना ना हो, दूसरी बात जो उकसावे में तो ऐसे लगे कि बहुत बड़े रेडिकल है, पर वो कहीं ना कहीं बीजेपी या आरएसएस का जो एजेंडा सेट करते हुए नजर आए. ये गेम पंजाब में चल रही है 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ. राजीव, व्हाट शिव इज सेइंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज राइट नाउ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर फेडरलिज्म, you know, which seems to be a very major issue, it seems to be asserting itself in a big way in Punjab. So would you say that this is one of the main issues where Punjab is now looking to assert itself as a state of a federation and a federal democracy? See, whenever you talk to Seema, any of the people from any of the parties, that federal sentiment is reflected. That is reflected in issues that have gone, that go back to several decades. For example, the issue of Chandigarh, that is there. The issue of riparian rights, the water distribution, one of the prime issues, it's always mentioned for Punjab, you know, and that is there. And the agriculture crisis, that is also there. So when you talk of, you know, what Shivinder is saying, that there are many games being played out over here. And people are very open, vocal when they say that कि पंजाब को बदनाम करके आप बाकी हिंदुस्तान में वोट लेना चाहते हैं. That federal sentiment is definitely there. And it needs to be pointed out one thing, you know, for our viewers, that you have a place like Malerkotla in Punjab, which is Muslim dominated, and it is always protected by the masses. Whenever something happens across the country, nothing is allowed to happen over there. And for that matter, there is another thing that I would like to point out here, Seema. That is, one, you know, there's a vacuum that has emerged
with the sidelining of the Akali Dal. That was just coupled, yeah. Yeah, I was going to that ask you maybe about that. Maybe the panthic politics or whatever that is about to be, you know, that vacuum is there. And it's that, and even the Congress leaders, senior Congress leaders, if you talk to them, for example, Mr. Gandhi, he said, you know, Punjab needs a strong regional force, given the kind of, you know, demography of that place. A national minority of six is in majority here. So you have right. to understand that. And then you are on the international border. Right. People are questioning, you know, and another thing, when you talk of federalism, very major issue is that the BSF's area of operation was extended by this government a year and a half before, up to 50 kilometers inside the international border, of the international border towards Punjab, which means that, you know, the Punjab police would be out from there. It would be BSF managing. But people are saying, you give it to BSF, and why is it that the more and more drones are landing here? Why is it that the drug problem is not being solved over here? So why? Layers. And of course, the friction is there. Yeah. So, Shiv, ये बताइए कि अकाली दल जो एक regional force थी और पंजाब में एक regional party है और उसने ये सब 1980 से positions ली हैं कई सारे issues पे which were important at the time. अब ये इतना जो मार्जिनलाइज हो गई है वो कम्प्लीटली मार्जिनलाइज हो गई, इसके रीजंस क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये करप्शन? तो ऑफ कोर्स बादल का सबने सुना हुआ है, एक ये रीजन होगा और शायद सिंपलिस्टिक रीजन है, पर क्यों है कि ये सिक्स का, खासकर सिक्स का यू नो सेंटिमेंट को नहीं पकड़ पा रही है ये पार्टी? देखो, अकाली दल की हम बात करें ना, अकाली दल हालांकि आजादी मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी, गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट भी एक तरह से सिर्फ गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट नहीं थी, वो पूरी आजादी मूवमेंट थी, क्योंकि उसके साथ पूरा सिर्फ सिख ही नहीं जुड़े थे बल्कि और भी लोग जुड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने मुद्दा था कि देश को आजाद करवाना। संघर्षों से निकली हुई पार्टी थी, जब प्रकाश सिंह बादल का उस पर काबिज हो जाते हैं तो वो एक तो पारिवारिक पार्टी बन के रह जाती है। 97 में आप देखिए कि बादल जब सत्ता में आते हैं, 75 सीट्स बादल अकाली दल की और 18 सीट बीजेपी लेके, 93 सीट्स लेके आते हैं। तब इन्होंने वादा किया था, जो पंजाब में फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे, हम चंडीगढ़ का मुद्दा, पंजाबी भाषा का मुद्दा, ये इन्होंने सत्ता में आते ही त्याग दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 2002 का विधानसभा चुनाव आया, इनके मैनिफेस्टो में ये मुद्दे गायब हो गए। ना तो इनके मैनिफेस्टो में फेक एनकाउंटर का मुद्दा था, ना ही चंडीगढ़ का मुद्दा था, ना ही पंजाबी बोलते इलाकों का मुद्दा था, ना ही पानी का मुद्दा था जो हरियाणा और राजस्थान से जुड़ा हुआ है। अच्छा, 2007 का इनका मैनिफेस्टो, उसमें भी ये मुद्दे बिल्कुल खत्म कर दिए गए। इसके बाद 17 में आके जब इनको लगा कि जमीन खिसक रही है तो इन्होंने थोड़ा सा इन मुद्दों पर बोलना शुरू किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद 22 की इलेक्शन आई विधानसभा, तो भी इन्होंने थोड़ा कोशिश की कि हम इन मुद्दों पे फाइट करेंगे, तो बिल्कुल ही जमीन खिसक चुकी थी। इसके साथ हुआ क्या कि अकाली दल ने जो गुंडागर्दी, इसी तरह के लंपन एलिमेंट को बढ़ावा दिया अकाली दल ने, और बीजेपी के साथ रहकर इसने बहुत सारे फेडरल मुद्दों पे समझौता किया। जैसे कि अब देखिए, सिखों की पार्टी कहाती है अगुवाई करने वाली, गुजरात के सिखों को जब दिक्कत आई तो सीपीआई के डी राजा ने लोकसभा में मुद्दा उठाया संसद में कि भाई वहां के गुजरात के सिखों के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल सही है। इसी तरह मैं एक पंजाबी अखबार में स्टोरी की थी कि गुजरात के सिखों की क्या हालत है, अगले दिन ही अकाली दल ने कुछ नकली गुजराती सिखों को लाकर चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि नहीं, मीडिया में जो खबर छपी है वो झूठी खबर है। इसी तरह 370 के मुद्दे पे अकाली दल खामोश रहा, सीए के मुद्दे में उसका किरदार दोगला रहा, ना इधर का स्टैंड लिया ना उधर का लिया। आप जिन स्टैंड में के लिए जाने जाते थे, आप फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते थे, आप सिख माइनॉरिटी के इशू के लिए जाने जाते थे, आप एक पंजाबी पार्टी कहते थे, आप सभी इशू पे बीजेपी से जुड़कर आपने अपने हथियार फेंक दिए। लालच था कि हरसिमरत कौर को मंत्रिमंडल में आ जाए, या 98 में या 99 में सुखबीर सिंह बादल को मंत्रिमंडल में ले लिया जाए सेंटर में। सो ये कारण था कि सत्ता का जो केंद्र है सिर्फ बादल परिवार रह गया, उसमें बहुत सारे जो पुराने अकाली लीडर थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिस कारण कि लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो एक तरह के पाप हो गया, पाप का घड़ा भर गया है। तो हम तो लोगों ने अकाली दल के प्रति जो गुस्सा है अभी भी वो गुस्सा थम नहीं रहा। What, so this question is for you, Rajiv, that
earlier the government in Punjab was not doing well, and it was falling amongst the people's popularity and support, right? And now, after the arrest and the release of Kejriwal, there seems to be some kind of a resurgence in AAP, at least in places outside Punjab. Has there been a resurgence of any kind in Punjab, and people are looking at AAP again as a major force, or it hasn't made a difference? See, Seema, Punjab is a bit different because Kejriwal is not a factor here. In fact, people hate AAP for that very reason, that for every decision, Bhagwant Mann, they say, looks up to Kejriwal being the center. So they hate that. You know, why do you have to look at Delhi, and why should Delhi interfere in Punjab's matter? That is, in fact, a drawback for AAP. But what has helped AAP in a way is that free power. That is something that has worked with the people that is there. And then that, you know, that anger against the two traditional parties, Akalis and the Congress, it was so deep. Congress still somehow has managed to salvage itself in certain ways, you know, but Akalis, they are on the side, pushed to the sidelines. So AAP, that matter, for the AAP that matters, it's, you know, one is, of course, you have the power factor. Second, the AAP leaders in the state, since they came from common backgrounds, that still kind of, you know, works with the people. That is Okay. one thing. And I'd like to, before we move further, I'd like to point another thing towards what Shivinder said about Akalis. You know, despite all the you know, whatever he's described, Akalis are still making some very powerful political statements. For example, Akali Dal goes and fields a Brahmin candidate in Amritsar. Very good for Indian secularism from that point of view. You know, I'd say that. And even in Patiala, if they field a Hindu candidate. Because Akali Dal, again, that's true, it's forgotten its promises and manifestos and everything. But at one point, it was also talking about Punjabians. But that's That was there. cosmetic, isn't it? I mean, they've always done that. No, but this time it matters that way. You know, having moved outside the alliance with BJP, Okay. and then you go, whereas it was being expected, you know, with the BJP, it was something else. That urban seats, yes, you field your candidate, BJP would field their candidates, rural dominated seats will field ours. But now, having moved out of that prism, then you go and field these candidates. It's something that people are appreciating. That's what I want to say. Okay, right. It's something that is being appreciated by the people. Yeah. So शिवेंद्र, आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो नई लीडरशिप एक तरीके से है, इतनी नहीं पर लास्ट इलेक्शन में भी थी, पर अब ज्यादा जोर से है, प्रियंका गांधी और खासकर राहुल गांधी, इनका इनके जो चेहरे हैं, इससे कुछ वहां के लोकल वोटर, पंजाब के वोटर, आर दे फीलिंग हैप्पियर विद इट दैट ये पुरानी लेगेसी लेके नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग एक नया नए स्टार्ट की बातें कर रहे हैं, कि दे स्टिल सी द कांग्रेस एज द कांग्रेस? देखो, पंजाब में ना इन दिनों बहुत अलग हो रहा है, क्योंकि जैसे राजीव ने भी कहा कि पंजाब थोड़ा अलग सोचता है, डिफरेंट है। बिल्कुल जब गांव में जाते हो ना, तो लोगों की हालत जो है वो सभी पार्टियों से खुश नहीं है। अब वो सिर्फ पंजाब के लोग ऑल्टरनेट नहीं चुनते, वो बदला लेते हैं भी। जैसे आपको लाया है, ये काम नहीं आया, चलो आप बदला लेने के लिए इसको ला रहे हैं। तो पंजाब वाले बदल नहीं लाते, बदला लेते हैं। ये मतलब एक तो धारणा बन हाँ चुकी है। दूसरी बात यह है कि वहां मतलब राहुल गांधी की थोड़ी इमेज जो चेंज आई है, जैसे वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी के हितों की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, आरएसएस को सीधा अटैक की मुद्रा में है, वो पंजाब के लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें नो डाउट कोई बात नहीं है। पर कांग्रेस की यदि हम कहें कि पंजाब में इस समय जो लोकल रीजनल लेवल पे कोई ऐसा लीडर है, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपको मतलब भगवंत मान को छोड़ के, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने, जिसको कह सके कि ये लोगों का अपना नेता है, वो अपने दम पे पार्टी को जिता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्यूम है, पर लोग सिर्फ अपने तौर पे सोचते हैं, फैसला करते हैं कि अब इसको सबक सिखाना है, इसको नहीं सिखाना, इसको सबक सिखाने के लिए इसको आगे लेके आना है।
पंजाब में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है। मैंने कहा कि जब पॉलिटिकल वैक्यूम होता है तो स्टेट आगे की दिशा भी तय कर सकता है और पीछे की दिशा भी तय कर सकता है। तो कांग्रेस की हालत तो ये है कि पंजाब कांग्रेस के पास बहुत नेता है, बहुत लीडर है। ये नहीं कि पंजाब में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, आपसे भी ज्यादा नेता है, क्योंकि आपको तो नेता नहीं मिल रहे थे इस समय। उन्होंने अपने 8 MLA को चुनाव में उतारा जिसमें 5 मंत्री थे, और बीजेपी को भी नेता नहीं मिल रहे थे, अकाली दल को भी नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस के पास नेताओं की फौज थी, पर उन नेताओं को एक सूत्र में बांधना कांग्रेस के लिए, पंजाब की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहा है हमेशा जी। What do you think about the Congress and the people of Punjab, Raji? Do you agree with Shivinder, or you got a different Yeah, view? I would just like to add, you know, when these elections started, when they took off, like he pointed in case of AAP, you fielded 5 cabinet ministers and 3 other MLAs. That is because you don't have faces. Even today, it is the Congress and the Akali Dal that has sufficient faces. In fact, they have a problem of plenty that is there. And then Congress, that matters, for that matter, it's another thing that is there. You know, at least they apologized for Operation Blue Star in the parliament. And, you know, that is something I talked to a couple of people. They mentioned, you know, if they could apologize. So you see, that is one of the major factors that is there. Even, you know, that minority sentiment is also there. That federal sentiment is also there. And in a way, it has helped the Congress that ways. And before, while this talk about alliance with AAP was going on, India alliance, whether it would work in Punjab or not, the leaders of the Congress in Punjab said one thing. They said, even if we form an alliance, we are winning 5 or 6, they are winning 5 or 6. So why not contest separately? And another thing, had they gone with the AAP, they would have been burdened with the anti-incumbency. That has kind of somehow set in against AAP also to some extent. The many factors against AAP also that are working, people are annoyed with AAP also. Like Shivinder said, the people, you know, they have that they're not happy. They are that way. This is something very good about Punjab. They want governments to perform. They want them to deliver. Otherwise, they are annoyed, they'll throw you out. They might as well elect an Amrit Pal, a Simranjit Singh Mahan. These are the reasons why they elect all these people. So Very this interesting things that are happening. I'll give you an example. We were talking to the Congress candidate in this place, Tarn Taran, Kulbir Singh Zira. Now, talking about the drugs issue, he came up with a very interesting quote that maybe we'll use somewhere. He said, once you elect a parliament, I would suggest all the 543 Lok Sabha members to undergo a dope test. Those who, you know, are negative can take the oath. Others should be put inside a rehab center with CCTV cameras to be, you know, telecast across the country what happens to all these people there that are taking drugs. The very interesting things that are there on the ground when you look at the issues. And Congress, that way, it has that, you know, somehow not in other parts of the country. But here again, they have some kind of an organizational structure that is there. You have the old Congressi leaders, you know, those Seva Dal types and other frontal organizations. They'll come down, they'll come out and work. For example, in Patiala, I have some friends who were with Seva Dal and all, they've been working. Dressed in that old Seva Dal uniform, they'll again come, they'll arrange for things like, you know, drinking water, if there's a problem, local issue, anything, they'll work for that. So It's that is something that is interesting. there. इट्स इंटरेस्टिंग कि द पार्टी कांग्रेस जो बिल्कुल ही साफ हो जाना चाहिए शिविंदर, वो उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, और अकाली दल जिसको जैसा शुड हैव रिमेन, ऑर्गेनाइजेशन तो है पर उसकी पॉपुलर सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। तो ये फार्मर्स मूवमेंट जो है, दैट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस ना, क्योंकि ये ऑपोजिशन, एक तो फार्मर्स ज्यादातर मूवमेंट तो जैसे आप लोग ने कहा पंजाब का था, शुरू शुरुआत वहां से थी, बट ऑपोजिशन जिसमें कांग्रेस भी है उसने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को, आउटसाइड पार्टिसिपेट किया था। अकाली दल ने इसको अपोज किया था टू सम एक्सटेंट, आई मीन नॉट टोटली अपोज बट ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये फार्मर्स मूवमेंट का इस इलेक्शन पे कितना इम्पैक्ट है? देखो, जो किसानी मूवमेंट का
एक ढंग से देखा जा सकता है, क्योंकि देखो किसानी किसान में जो संगठन है ना, किसान मूवमेंट में थे, वो ज्यादातर इलेक्शन में भाग नहीं लेते, वो लोगों को खुला छोड़ देते कि भाई अपनी मर्जी है, यदि वोट डालनी है डालो, नहीं डालनी ना डालो, खासकर ज्यादातर संगठन है जो, तो जो बड़े संगठन है जैसे जोगिंदर सिंह उग्राह का संगठन हो गया, कीर्ति किसान यूनियन होगी, डकौंदा होगी, इनकी जो पोजिशन पोलिटिकल पोजिशन ये है। अब किसान आंदोलन एक ढंग से दिख रहा है, जैसे आपके नेता जा रहे हैं वोट मांगने, लोग उनको सवाल कर रहे हैं भाई आपने क्या 2.5 साल में क्या किया, किसान आंदोलन ने सवाल करना सिखाया है। अच्छा बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनको डर के मारे कहना पड़ रहा है कि किसी बैरेज पैलेस में उनको मीटिंग बुलानी पड़ रही है या फिर किसी धर्मशाला में बुलानी पड़ रही है, गाँव में वो घुस नहीं रहे। ये मतलब किसान आंदोलन का एक हम प्रभाव देख रहे हैं, क्या जो आपने पूछा भी किसान आंदोलन का क्या प्रभाव है, अच्छा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब वो सवाल भी किसान आंदोलन के ही कारण है, क्योंकि किसान आंदोलन ने और कुछ सिखाया हो या ना हो, पर लोगों को सवाल करना सिखाया है, भाई आप उसे पूछिए, ये मतलब एक हौसला किसान आंदोलन ने दिया है। और यहाँ तक कि जो आप आई थी 2002 में आप आई थी, उसका भी कारण एक किसान आंदोलन ही था, वो कैसे कि किसान आंदोलन में जितने भी लेक्चर हुए पंजाब में, 500 600 लेक्चर हुआ, उनमें एक बात आई कि जितनी भी पुरानी पार्टी है उन पार्टियों ने आपका बुरा हाल किया है, तो इसलिए पुरातन पार्टियों का को से अपना नाता तोड़िए। तो आपने कहा कि हम तो पुराने नहीं हैं, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, सो इसलिए इनको मौका मिल गया। अब जब आप हमें ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट है, उसका भी कारण किसान आंदोलन है, क्योंकि इन्होंने देखा वो उसी चेतना से कि आप भी अब कोई काम नहीं कर रही, तो उन्होंने सीधा सीधा हिसाब कर दिया कि यहाँ हमें ये नेता पसंद है, जैसे कांग्रेस का धर्मवीर गांधी है, वो एक ऐसा चेहरा है जो पूरी पंजाबियत को रिप्रेजेंट करता है, धर्म से हिंदू, सिख उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अच्छा उनके उसका अपना आधार है, वो पेशे से डॉक्टर था, पहले भी मेंबर पार्लियामेंट रहे थे। हमने एक जगह देखा कि धर्मवीर गांधी कंपेन करने जा रहे हैं, एक औरत उसको कह रही है कि डॉक्टर साहब मेरी दवा लिख दीजिए, वो चलते चलते दवा लिख रहे हैं, बिला और ये दवा तुमने ले लेना, मतलब एक चेहरा भी है। दूसरा जो हमें दिख रहा है कि कोई अमृतपाल जैसा व्यक्ति भी टक्कर दे रहा है, इसका मतलब पंजाब में ये भी एक विचार है, ये इलेक्शन पंजाब में जो डिफरेंट डिफरेंट विचार है उसकी अगुवाई भी कर रही है। जो आपका सवाल था कि अकाली दल सत्तल में कैसे गया, अकाली दल पे जो बेअदबी का दाग लगा है ना, गुरु ग्रंथ साहब की जो तौहीन का जो दाग लगा है, अभी तक अकाली दल उससे उठ नहीं पाया। जी Interesting. So, for the last word from both of you, Rajiv, what last time the Congress got 8 seats, right, out of 13. And so, when we are talking about other states, we are saying, all right, the BJP got so many seats out of it, it can't max it, it'll probably go down. Now, doesn't that apply to the Congress as well? Because it's done exceptionally well with 8 seats, no? No, this time, Seema, the thing is, it's one thing is very clear that the contest, as Shivinder said right in the beginning, is between AAP and the Congress. It's neck to neck in most of the seats. Some seats, yes, one is AAP, some seats, AAP is AAP. It's kind of split between these two parties. And BJP, because of the farmers, mainly because of the farmers' agitation, and then the general sentiment that Punjabi, that Do you see them federalism. getting the 2 seats that they had, or at No, least no, no. It's out of the very back? difficult for them to even open their account. If they manage to do that, it will be a big achievement for the BJP. All right. And for the Akali Dal, they have put in kind of all their forces behind Harsimrat. They want to retain Bathinda, All right. where too she's getting a good, damn good fight from Khudiyan, who's an AAP leader. Okay. And Khudiyan was the person who had defeated that old patriarch, Prakash Singh Badal, in the last assembly elections. So it could be that the Akali Dal also doesn't open its account. Are we looking at that? If that happens, it will be a big, big blow for the Akali Dal. But I still think that she'll manage a victory. She's got that support in Bathinda. People Okay. praise her for certain works. They say that she was the one who brought AIIMS to Bathinda. Bathinda today has very good road network. It has got civic amenities. It's not the Bathinda that you maybe you saw in 80s. Yeah. It's a changed city. It's a modern kind of a place that you see anywhere else in India. So that is there. She's getting those kind of support over there. That is there. तो शिवेंद्र, Yeah. आप ऐसे देखिए, खाली स्टैट्स देखें, अभी सीट्स में ना जाइए, बट खाली स्टैट्स देखें, तो जिसमें कांग्रेस को 8 सीट मिली थी
और आपको ए तो 9 सीट इनको, और 4 सीट अकाली दल और बीजेपी में, दो दो सीट। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस और आप में है, जैसे राजीव ने कहा, तो कांग्रेस की कुछ कमी होगी या आपकी ऊपर जाएंगी, तो वी आर लुकिंग एट सॉर्ट ऑफ अ डिविजन ऑफ द स्टेट। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए ना, आपको तो पिछली दफा सिर्फ एक सीट मिली थी, संगरूर की सीट मिली थी, बिल्कुल। इसलिए आपकी सीट बढ़ेगी। तो कांग्रेस को 8 मिली थी, यदि छह और तो कम पांच होगी। छह और पांच भी रहता है तो भी कांग्रेस की सीट कम होगी। एक बिल्कुल चीज नोट करने वाली है कि अकाली दल और बीजेपी का जो अलायंस टूटा है उसमें नुकसान दोनों को हुआ है, क्योंकि अब लहते के अकाली दल के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए बठिंडा है और बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो पटियाला जैसी सीट है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीट कही जाती है, उसमें भी के जो परनीत कौर की हालत काफी कमजोर नजर आ रही है। और दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं नेशनल मीडिया में बैठे हुए कि यार पंजाब एक भारत में एक ऐसा भी स्टेट है जहाँ बीजेपी की कोई बुकत नहीं है। राइट राइट। चलिए, ऑन दैट इज द लास्ट वर्ड, एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू। दिस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी गॉट अ न्यू इंसाइट्स एंड मेनी इंसाइट्स इन टू पंजाब। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंसाइट्स वॉज या वॉट वी गॉट, कि बदला लेंगे, बदलेंगे नहीं, यू नो, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स सीमा, थैंक्स, बाय।